كوي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي برأمة मुख्तफ़ टॉपिक्स पर दरस कुरान का सिलसिला जारी है और अलहमदिल्ला इस प्रोग्राम की बरकत से आप अगर चाहें तो रोज़ाना अपने घर पर बैठे हुए एक मखसूस टॉपिक पर दरस कुरान सुनने की शादत हासिल कर सकते हैं और यकीन अगर एक मुसलमान गर वफ़क्र करे तो ये बहुत ही बड़ी शादत है कि अल्लाह तबारक व ताल उसके घर बैठे अपनी पाकिज़ा किताब को समझने उससे नतज अखस करने और उसके रोशनी में अपना मुहासवा करते हुए आइंदा ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन अमल तैयार करने की तोफ़ी कतः फरमा दे ये बहुत बड़ी सदत की बात है अगर समझा जाए तो अलहद हमने कुरान अजीम के मुख्तलफ़ टॉपिक्स पर दुरुस् का जो सिलसिला शुरू किया उसमें हमने शुरू में अगर आपने गौर फ़क्र फ़रमाया हो या मुसलसिल देखा हो तो सबसे पहले हमने हिदायत पर कलाम किया इसके बाद ख़ुद कुरान के बारे में अल्लाह तबारक व ताली ने कुरान अजीम में क्या क्या बयान किया इसकी हमने तफसील काफ़ी हद तक बयान की और जो मोतद बिहा या और काबिल ज़िक्र टॉपिक थे और ज़्यादा नाफ़े टॉपिक थे वो हमने लेकर उस पर दरस कुरान की सादत हासिल की अब जो इन हम कुछ प्रोग्राम्स में सिलसिला चलाएँगे वो अल्लाह तबारक व ताली की जात से मुतक़ होगा अल्लाह तबारक व ताली की ज़ात का समझना यकी सी बात है कि मक्कु नहीं हो सकता यानी इस तरह नहीं हो सकता कि जैसे हम किसी जात का तस्वर अपने जहन में कायम करके तस्वूरती एतबार से या शक्लो सूरत के अतबार से एक मारिफत हासिल कर लेते हैं मुसद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर ग़ौर न करो उसकी सिफात पर गौर करो इसलिए किल अल्लाह ताली की ज़ात का इदराक नहीं कर सकती यकी सी बात है कि अल्लाह ताला का तस्वुर हम जहन में कायम नहीं कर सकते इसलिए कि अल्लाह ताला किसी शय की मिसल नहीं है वो बाकायदा कोई सूरत नहीं रखता है कि जिसका हम तस्वुर जहन के अंदर ला सकें और तस्वुर लाना तीन तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े के बाद ही हो सकता है या इसके तीन असबाब कह लें तीन असबाब हो सकते हैं पहला ये कि खुद नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताली की कोई मतलब सूरत बयान कर दी होती कि अल्लाह ताली ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो हमारे जहन में कोई तस्वुर कायम हो जाता या हर शख्स अपने रब करीम को अपनी चश्मान ज़ाहरी से देखने पर कुदरत रखता तो देख कर तस्वुर हासिल हो जाता और या फिर अल्लाह तबारक व ताली ख़ुद ख्वाब में सबको ज्यारत करवा देता तो चलें तस्वुर ख़्वाब के अंदर ज़ाहिर हो जाता लेकिन कोई इसमें से या अल्लाह की कोई मिसल शय होती माज़ल्ला उस शय के बयान से अल्लाह ताला की मारफ़त हासिल हो जाती जैसे कोई हाथी के बारे में बयान करे कि यानी यूँ कहे कि मैं अफ्रीका में मैंने एक जानवर देखा था जो हाथी की मिसल था तो अगर हमने हाथी देखा होगा तो उस जानवर की हयात का समझना उस जानवर की बनावट का समझना बहुत आसान हो सकता है इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताली की मिसल अगर कोई चीज़ होती तो चलें उस चीज़ के बयान की वजह से हम अल्लाह ताली का कोई ना कोई तस्वर ज़रूर क़ायम कर सकते थे लेकिन अब इसकी कोई सूरत हाल कोई सूरत ऐसी नहीं बनती है कि किसी भी ज़रिए से हम अल्लाह तबारक व ताली के तस्वुर को कायम कर सकें लिहाजा आ, हम अल्लाह ताली की ज़ात पर तस्वूर के अतबार से तो गौर नहीं कर सकते और अगर आपने हमारे अक़ायद का बयान पहले सुना हो होफुरान प्रोग्राम में हमने बयान किया था इतना ज़रूर एक मुसलमान को अपने जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताल मौजूद है उसकी ज़ात इस कायन में मौजूद है लेकिन किस मकाम पर है पर्टिकुलर किसी जानब हम अल्लाह की निशानदही नहीं कर सकते कि वह आसमान पर है ज़मीन पर है दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं उसकी खास जगह पर्टिकुलर या ख़ास समत मुतन नहीं कर सकते हैं सिर्फ़ हम इतना कहेंगे कि अल्लाह ताला मौजूद है और अपने इल्म और कुदरत के एतबार से तमाम अशिया का पूरी कायनत का अहाता किए हुए है इसे घेरे हुए है इलम के अतबार से घेरने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जर्रे का हम वक्त इल्म रखता है और कुदरत के एतबार से घेरने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक वाली पूरी कायनात के जर्रे जर्रे में जब चाहे जैसा चाहे तसरुफ कर सकता है तसरुफ का मतलब उसे बड़ा करे छोटा करे मार दे जिंदा करे बिगाड़ दे बना दे बीमारी में मबतला कर देहत में मुबतला कर दे सब पर उसको इख्तियार हासिल है ये इख्तियार तसरुफ कहलाता है तो अल्लाह ताली तमाम अशिया पर क़ुदरत रखता है उसके ज़ेर कुदरत है गोया के बस इतना तस्वर एक मुसलमान के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला की जात मौजूद है कहाँ मौजूद है जगह का तयन नहीं करेंगे ये कहना भी गलत होता है हर जगह मौजूद है कि हर जगह में कोई एक जगह भी तो शामिल होती ही है ना और अल्लाह ताला जगह से पाक व साफ़ है तो अगर बच्चों को भी समझाएँ तो सिर्फ इतना समझाइए कि अल्लाह तबारक वाली मौजूद है और अपने अल्लाह ताला एक एक चीज़ का इल्म रखता है और अल्लाह ताला एक एक चीज़ पर कब्ज़ा किए हुए है अल्लाह ताला चाहता है तो किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कि, किसी भी तरह की तब्दीली पैदा कर सकता है बस बच्चों को इतने समझाएं अब अगर बच्चे फिर मासूमाना अंदाज़ में पूछें कि वह है किस जगह तो आप फरमाएँ कि बेटा अल्लाह ताला के लिए जगह हम नहीं बता सकते हैं लेकिन वह मौजूद है तो तोहराले बच्चों के एतबार से था बड़ों को भी यही समझना चाहिए कि अल्लाह ताला मौजूद है लेकिन जगह के तयन के बगैर बाज़ लोग नादानी में कह देते हैं अल्लाह ताला ऊपर वाला है आसमान पर है ये गलत तरीक़ा होता है अल्लाह ताला के लिए सम्त का तयन करना इस्लाम जमहूराम इस्लाम के नज़दीक बिल्कुल नाजायज़ है क्योंकि एक तरफ अगर हम अल्लाह ताला के लिए किसी समत को मुतिन कर देंगे तो याद रखिए कि अल्लाह ताला की तरफ इशारा करना मुमकिन हो जाएगा जिसको मशान कहते हैं यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा सके और जब अल्लाह ताला की जात त मशा बन जाएगी यानी उसकी तरफ इशारा करना मुमकिन है तो जिसकी तरफ़ इशारा किया जा सके वो किसी न किसी जगह में ज़रूर होती है और जो चीज़ जगह में होती है वो ज़रूर जिसम रखती है और जिसम की तारीफ़ ये है कि जो लंबाई, चौड़ाई गहराई में तकसीम को कबूल कर ले वो जिसम है तो लिहाजा फिर अल्लाह तबारक व ताली का एक बायदा जिसम वाला होना साबित होगा और जब अल्लाह हम साबित करेंगे तो उसकाबिल तकसीम होना भी लाज़िम आएगा और मादल्ला सुद्ला अल्लाह तमारा रब तकसीम कोबूल नहीं करता वो कभी तकसीम नहीं होता है और इस तरह एक ग़लत तस्वूर क़ायम हो जाएगा और ये गलत तस्वर अल्लाह ताली की ज़ात के बारे में इसलिए कायम हुआ कि हमने अल्लाह ताला के लिए जगह साबित की या उसको मुशारुन इलह बना दिया इसलिए बड़े हजरात यही समझें अगर कोई आपसे गैर मुस्लिम भी क्वेश्चन करता है कि भाई आपका रब कहाँ है आप क्या तस्व रखते हैं तो आप फरमाएंगे कि हमारा रब इस कायनात में मौजूद है लेकिन हम उसकी शान के लिहाज से ये नहीं कहते कि वो एक किसी एक जगह में है हाँ इस कायनात में मौजूद है और अपने इल्म और अपनी कुदरत के एतबार से एक एक चीज़ को घेरे हुए है इल के अतबार से घेरने का मतलब कि वो एक एक चीज़ का इल्म रखता है और क़ुदरत के अतबार से घेरने का मतलब कि हर चीज़ में तगैर व तब्दुल का इख्तियार रखता है तो सबसे पहले हम उन आयात पर कलाम करेंगे जिसमें अल्लाह तबारक व ताली ने अपनी कुदरत के दलाइल पर गौर वफ़क्र की दावत दी है और ये दरअसल अल्लाह ताली के वजूद पर एक दलीलें हैं कि हाँ कायनत में एक रब का वजूद मौजूद है अगर एक आम इंसान भी अकली लिहाज से भी गौर वफक् कर लेता जाके जाकेरने पाक की आयात पर गौर वफक् करे, अगर सिर्फ़ अकली लिहाज से भी देख लेता तो यकीनन एक शख्स ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा कि इस कायनात में एक जात ऐसी है कम अज़ कम एक जात तो ऐसी है कि जो पूरी कायनात में तसरफ कर रही है और इस कायन का निज़ाम कंट्रोल कर रही है वदाउट कंट्रोल कोई भी चीज़ नहीं चलती है गाड़ी नहीं चल सकती है फैक्ट्री नहीं चल सकती है मशीनें नहीं चल सकती हैं उन्हें भी एक वक्त में बंद करना होता है खोलना होता है मेंटेनेंस वगैरह उनकी होती है ऑयलिंग होती है और बहुत सारे काम होते हैं आप पूरी कायनात के निज़ाम के बारे में क्या तस्वुर करते हैं कि ये कायनात का बेनक्श निज़ाम जिसको हम रोज़ाना अपनी आँखों से बारहा देखते हैं और मुख्तलफ़ अंदाज से ख़ुद कुरान में भी ने बयान फरमाया कि ये बगैर किसी चलाने वाले के चल रहा है इतफाक़ी तौर पर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती अगर बिलफर्ज इतफाक़ का वजूद मान भी लिया जाए जो कि एक मुसलमान के नज़दीक जायज़ नहीं है इस पर मैं थोड़ा सा कलाम करता हूँ तो इतफाकी तौर पर अगर बिल ये कर लिया जाए जी इतफाकान चल रहा है निज़ाम तो इतने एकोरेट तरीक़े से नहीं चलता इतने मुनम तरीक़े से नहीं चलता इसमें बेढंगापन होता है जैसे गाड़ी को छो छोड़ दें कि वो बगैर ड्राइवर के चल रही है तो यानी ढलान पर छोड़ चला कर छोड़ दीजिए ड्राइवर उतर जाए अब वो गाड़ी के सीधी सीधी चलती रहेगी और मोड़ पे ब्रेक भी ख़ुद ब खुद लग जाएंगी आराम से मुड़ेगी नहीं वो सीधी चलती जाएगी और गड्ढों में गिरती हुई आखिर डिसबैलेंस होकर उलट जाएगी इसी तरीके से अगर कायनात का निज़ाम कोई ज़ात ना चला रही होती इसको कंट्रोल ना कर रही होती वॉश ना कर रही होती तो यकीनन ये निज़ाम कुछ अरसे चलने के बाद किसी न किसी बिगाड़ का शिकार होता और ख़त्म हो जाता हालांकि ख़ुद आप की उम्र अगर 40 साल है 50 साल 60 साल आप देख रहे हैं और फिर सदियों से ये निज़ाम चल रहा है जिससे कि साइंसदान तहकीक कर रहे हैं और बे नक्स है इसका मतलब ये है कि कोई ज़ात यकीनन इसको कंट्रोल कर रही है और वही ज़ात हमारे रब करीम की ज़ात है इस पर भी हम दलील क़ायम करेंगे कि वो हमारे रब की ही जात है इस पर क्या दलील है इस पर भी इंशाल्लाह शलील कायम होगी एक थोड़ा सा वाक़ अर्स करके फिर इन श्रा मायात की तरफ आते हैं और दरस क़ुरान का बाकायदा आगाज़ करेंगे यने भी मशहूर वाक़ सुना होगा कि इमाम अजम अबू हनीफ़र रदी अल्लाह तहों का एक कम्यूनस्ट से मुनाजरा हो गया वो खुदा के वजूद का मुनकर था अल्लाह को नहीं मानता था वो कहता था कायनत का निज़ाम ख़ुद ब खुद चल रहा है बस तो इमाम आजम रदी अल्लाह तहों ने एक जगह एक वक्त का तयन किया क़िर लोग वहाँ जमा हो गए और वो शख़्स आपसे पहले वहाँ पहुँच गया इमाम अजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तहों जानबूझ के थोड़ा देर से वहाँ पर आए तो जब वहाँ पहुँचे तो उस शख़्स ने कहा कि भाई आप इतनी देर से कैसे आए मुसलमानों के इमाम हैं आपको तो बड़ा वक्त का पाबंद होना चाहिए था इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तौ उन्होंने फरमाया कि हाँ होना तो यही चाहिए था लेकिन मुझे कुछ हैरत अंगेज़ मनाजिर ने रोक लिया था उसने कहा वो क्या मनाजिर थे आपने फ़रमाया कि जब मैं दरिया के क़रीब आया तो मैंने ये देखा कि एक दरख्त ख़ुद ब खुद बखुद कट गया और उसके दरख्त की शाखें पैदा हुई छाल लैदा हो गई फिर उसके तने के टुकड़े हो गए और तख्ते बन गए फिर वह तख़ते आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद फिर वह पानी के अंदर चले गए जब वो पानी में पहुँचे फिर मैं उस पर बैठ गया और वह उसने मुझे दूसरे किनारे पर पहुँचा दिया तो इस मंजर को देखते हुए मुझे काफ़ी वक्त लग गया उस शख्स ने कहा कि आप इमाम हो कैसा मजाक कर रहे हैं कैसे हो सकता है दरत ख़ ख़ुद ब खुद कट जाए उसकी लकड़ियाँ बन जाएँ फिर कश्ती भी तैयार हो जाए फिर वो खुद कश्ती दरिया में भी गिर जाए और फिर वो आपको पार भी करवा दे तो इमाम आजम फरदी अल्लाह तरमाया कि यह शख्स बस में मुनाजरत जीत गया अब तूने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया कि जब एक कश्ती ख़ुद ब खुद बनकर दरिया में उतर कर कोई फेल नहीं कर सकती तो बता पूरी कायनात के अंदर करोड़ों चीज़ें खुद ब खुद कैसे इस निज़ाम को चला सकती हैं यकीन उनका चलाने वाला भी तो कोई ना कोई मौजूद है तो वो शख्स फ़ौर मतलब आ, समझ गया कि वाकई मैं ग़लती पर था वो ताइब हुआ और अलहद कलीमा पढ़ कर मुसलमान हो गया मेरा रहा सबसे पहले हम इस पर दलील क़ायम करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली का वजूद मौजूद है अल्लाह ने तुरन अजीम में मुख्तलिफ अंदाज से अपनी कुदरत के दलाइल बयान फरमाए हैं जिनसे वजूद बारी बारा पर इस दलाल बड़े आराम से किया जा सकता है तो अल्लाह तबारक व ताली इरशाद फरमाता है कि ये सूर्यस की आयत नंबर पाँच और छः है इरशाद होता है वो तो वही ज़ात है जिसने सूरज को चमकने वाला बनाया वल कौमरा नूरन और चांद को नूर बाँटने वाला बनाया वह मनाजिला और उसने चांद की मनाजिल मुकरर की ये अट्ठारह मंजिलें होती हैं एक महीने का अगर तीस तीस दिन का महीना होता है यानी तीस रातों का तो अट्ठाईस रातों में ये अट्ठारह मंजिलें अपनी तय करता है 18 मंजिल का मतलब इसके ये जैसे ये राउंड लगाता है एक तरफ से आता है दूसरी तरफ जाता है तो अट्ठारह पॉइंट के ऊपर ये ठहरता हुआ पहुँचता है तो इसको अट्ठारह मनाजिल कहा जाता है अगर तीस दिन का तीस रात का महीना हो तो अट्ठाईस रातों में मुकम्मल करता है और अगर और ये दो रातें इसके अंदर ये बिल्कुल गायब रहता है अट्ठाईस में ज़ाहिर होगा और अगर ये उनतीस की रात होती हैं तो अट्ठाईस रातों में ही मंजिल तय करता है एक रात बस ये गायब रहता है तो आपने देखा होगा कि पहली रात का चांद जो महीने के पहला होता है चांद बहुत ही बारीक होता है अगली रात उससे थोड़ा मोटा उससे अगली रात उससे बड़ा मोटा तो ये आसता मनाजिल तय कर रहा है एक रात में एक मंजिल तय हो रही है दूसरी रात में दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल इस तरह ये अट्ठारह मंजिलें तय करता रहता है यानी हर रात में एक ही तय करे ज़रूरी नहीं है एक डेढ़ कर ली फिर फिर यानी रज़ है कि आप जब इसको देखते रहेंगे तो अट्ठाईस रातों में अट्ठारह मंजिलें तय हो जाती हैं और इस तरीके से आ, अगर यह उनतीस का महीना है तो एक रात छुपा रहता है और तीस का महीना है तो दो रातें छुपा रहता है ये अल्लाह तबारक व ताली ने इसकी मनाज़िल मुकर की क्यों मुकर कि फरमाया तायलमू ताकि तुम लोग जान लो अदद सना सालों की तादाद वलिसबा और दीगर हिसाब जैसे हम चांद से हिसाब मालूम करते हैं इद्दत के मामल चांद से ही लगाए जाते हैं हिसाब किताब होता है इसी तरह ज़कात के साल का हिसाब या ज़कात की पर्टिकुलर तारीख़ के एक साल पूरा हो गया इसका हिसाब किताब भी चांद की मनाजिल से होता है इसी तरीके से आ, इफ्तार देख लीजिए आप मतलब ईद का फितर के लिए चांद रमज़ान के लिए चांद देखा जाता है तो ये तमाम चांद की मनाजिल की बरकत हैं कि अल्लाह तबारक व ने इसमें लोगों के लिए हिसाब किताब के मामलत रखे हैं फिर शायद फरमाया कि माँ खलकल जालिका अला بالحق. नहीं पैदा किया अल्लाह तबारक व ताल इसको मगर हक के साथ यु आयात अल्लाह तबारक व ताल तफसील से अपनी निशानियाँ बयान फरमाता है ले कौमिन ऐसी कौम के लिए जो इल्म रखती है गौर वफ़क्र की सलाहियत रखती है फिर शायद फरमाया कि इन्नाफी अख्तिलाफी लैली व नहारी बेशक रात और दिन के मुख्तलिफ होने में वमा फिस वल अर्द और जो कुछ अल्लाह तबारक व ताली ने आसमानों और ज़मीन में पैदा फरमाया है ला लयातौमी यत्तून ऐसी निशानी एक ऐसी कौम के लिए निशानियाँ हैं जो तकवा और परहेजगारी रखती है तो देखिए अल्लाह तबारक व ताल इसमें अपनी कुदरत के पर दलीलें जो कायनात में कायम की गई हैं उनकी निशानदही फरमाई तो ज़रा गौर वफ़क्र करें कि हर महीने चांद निकलता है शुरू में बारीक होता है आसा मोटा होता जाता है फिर चौदहवीं का चांद बहुत बड़ा हो जाता है फिर आसा सिमटना शुरू होता है बाल बराबर रह जाता है दो रातों में गायब हो जाता है क्या कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो इस चाँद को चला रही है क्यों चाँद पहले से एकदम बड़ा नहीं हो जाता ज़ाहिर नहीं हो जाता क्यों ये गायब नहीं हो जाता हमारी निगाहों से अल्लाह तबारक व ताली ने एक निज़ाम चलाया हुआ है तो यकीन सी बात है कि इतना बड़ा सैारा और इतनी रोशनी देने वाला अल्लाह ताला ने पहले बयान फरमाया कि उसने सूरज को बाई से ज़िया बनाया और चांद को नूर वाला बनाया सूरज की रोशनी निकलती है तो आप देखें पूरा दिन किस कदर रोशन हो जाता है और इतना रोशन होता है कि चांद का नूर भी इसके सामने मांद पड़ जाता है चांद भी फीका तो आप देखेंगे दिन में भी आपको चांद नज़र आ जाएगा लेकिन फीका होगा कि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ है कि चांद की रोशनी उसके सामने छुप जाती है तो ये तफक्कुर की ज़रूरत है इस बात ग़ौर व तफक्कुर करना चाहिए कि रात में हमें एक कदम की चीज़ नज़र नहीं आती लेकिन दिन में जब अल्लाह तबारक वताल सूरज को नमदार फरमा देता है तो वही कमरा है लेकिन एक एक चीज़ चाहे अब लाइट जलाएँ ना जलाएं बिल्कुल वाज तौर पे नज़र आ रही है ये कितना अजीम अल्लाह तबारक व ताली की कुदरत का इजहार है सूरज कितना बड़ा स्यारा अल्लाह ने पैदा फ़रमाया कि पूरी कायनात एकदम रोशन कर देता है क्या इंसान इतना बड़ा कोई बलब ईजाद कर सकता है कि जिससे पूरी कायनात एक वक्त में इस क़दर रोशन भी हो जाए और जो तोयाँ सूरज फराहम कर रहा है कि इंसान उसके तोानाई जिस्मानी लिहाज से हासिल करता है उससे नशो नुमा में मदद मिलती है जिस ज़मीन पर सूरज की रोशनी पहुँचती है वो पौधे उगाती है हयात इससे पैदा होती है ज़िंदगी मिलती है तो क्या हम इतना बड़ा बलब ईजाद कर सकते हैं सारी दुनिया के इंसान मिलकर जो सूरज की मिसल पूरी दुनिया को एक मुतवाजन रोशनी फराहम करे और अतराफ़ को जलाए भी नहीं कोई चीज़ सड़े भी नहीं तो यह अल्लाह तबारक व तैय के कुदरत का अजीम इजहार है मालूम हुआ कि एक ज़ात ऐसी है क्रिश्न अज़ीम चीज़ों को पैदा किया है इस पर इन शिलसिला का नाम जारी रहेगा अगले प्रोग्राम में व आखरों दावाना रब मैं सकूं ये रबीआल में मेरा रहा